अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरे पीछे लगा है फ्लैग। फ्लैग क्यों लगा है? क्योंकि आज है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल। कंट्रोल कंट्रोल, इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल विन करेगा और फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, सुबह से मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो गया है। सुबह से बारिश हो गई है और सर्दी में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। आज का मैच देखने का भी मज़ा आएगा, ठंड के साथ साथ इंजॉय करेंगे। और उससे पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग। हूँ आटा लेने के लिए। घर में आटा ख़त्म हो गया। चक्की का आटा हमारे घर में इस्तेमाल होता है और पर्ची बन गई है वजन 10 किलो आटे की 1050 की। ये मिक्स करके देंगे, थोड़ा सा वाइट डालेंगे इसके अंदर। यार ये ले, ये बड़ा ज़बरदस्त आटा होता है इनका। और इनका आटा अच्छे स्टोर जो है ना, फेमस स्टोर, उस पर जाता है। लो जी, अब वो आटा डालने लगा है जवान। कंट्रोल कंट्रोल, ये बड़ा अच्छा होता है आटा इनका। ये वाला बड़ा मशहूर है, इनका बड़ा काम है। और ये यूनिट भी बड़ा अच्छा लगा होगा, प्रॉपर गेस्ट वाला काम है। वेट कर रहा है वो। बस थोड़ा सा रह गया आटा। आटे पर गई हो ना थोड़े दिन तक। हो गया, चलो इन्हें यस कर दो, जरा बंद हो इन। और जी ये है 1050 का थैला, 10 किलो का आटा डन हो गया। आटा लेने के बाद मैं आ गया हूँ ये टाइल वाली शॉप पे और मुझे चाहिए इधर से सीट। एक घर में लगे हुए हैं मिस्त्री। ये कलर की सीट चाहिए मुझे, लेकिन ये स्टाइल भी न्यू आया है। लेकिन देखते हैं कौन सा पसंद करते हैं। टाइलें भी तो बड़ी शानदार लगी हुई हैं। वाशरूम में टाइलें भी लगनी है ऊपर, वो भी पसंद कर ली हुई हैं, वो भी जाएंगी। और साथ में ये सीट एक लेनी है वॉशरूम के लिए। इससे ये भी सीट है, एक ये ब्लैक वाली है। ये डिज़ाइन भी ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कलर मिल जाएगा बीच कलर। हाँ जी, कलर मुझे बीच चाहिए। चलें देखते हैं कि कौन सा कलर देते हैं वो। नो जी, ये सीट मैंने फाइनल की है और ये बीच कलर में हमें मिलेगी ये वाली सीट। ये सीट डन कर ली हमने। अच्छा जी, सामान लेके हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और बारिश फिर से शुरू हो गई है। सुबह से बारिश हो रही थी, रुक गई थी और अब फिर से स्टार्ट हो गई है। और सामान फुली लोडेड है बाइक पे। वहीं क्या चल कुछ ले लिया, जल्दी जल्दी सब घर चलते हैं। वो ना कि बारिश और तेज़ हो जाए और सारा निज़ाम ख़राब हो जाए। आटा भी पकड़ा हुआ है और साथ में सामान भी है, वो ना हो कि गीला हो जाए सारा कुछ। मैं सामान लेके आ गया था घर और मैच का टाइम भी हो गया है। अपडेट ये है कि न्यूजीलैंड ने टॉस विन कर लिया और न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करने लगा है। देखते हैं जी पाकिस्तान बॉलर्स आज क्या करते हैं। अच्छा जी, अभी की अपडेट ये है कि फर्स्ट इनिंग पूरी हो गई है और न्यूजीलैंड ने 152 किया है। 153 का पाकिस्तान को टारगेट मिला जी। 153 विन करेगा और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए इंशाल्लाह। जीतेगा भाई, जीतेगा। हाँ जी इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा। बच्चे बहुत एक्साइटेड है भाई, बच्चे उन्हें तो फ्लैग पकड़े हुए हैं और मैच देख रहे हैं। उज़ैफ़ आ जाओ आप भी। हाँ जी, कौन जीतेगा जी आज का मैच? पाकिस्तान। हाँ जी मुस्तफा, कौन जीतेगा आज का मैच? पाकिस्तान। हाँ जी इंशाल्लाह। और हाँ जी इब्राहिम, कौन जीतेगा आज का मैच? पाकिस्तान। हाँ जी इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। यस मुस्तफा, उज़ैफ़ आप भी बता दो आज का मैच कौन विन करेगा? पाकिस्तान।
वाइट हो गया भाई। अच्छा जी, हमने तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया मैच को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा मैच को। और जिस तरह पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्म किया है और जिस तरह विन किया है, और इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तान फाइनल में भी इसी तरह परफॉर्म करेगा और विन करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आज की वीडियो यहाँ तक की थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर का मतलब ज़रूर कीजिएगा। और पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान मैच विन कर जाए और वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेके आए इंशाल्लाह, पाकिस्तान लेके आएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।